होनी चाहिए। दुरुस्त है। और ड्रिल ना होने की सूरत में अलबत्ता ये है कि छटा भी किया जा सकता है, वो ये तो नहीं है कि हमारे सारे किसान जो हैं वो इसको अफोर्ड कर सके या उनके पास मौजूद, लेकिन छटा से कास्ट करने से पहले बीज को जो है 12 घंटे ये भिगो लेना चाहिए, इससे अच्छी रोइदगी होती है। और बीज को सुबह सवेरे ये शाम के वक्त जो है वो छटा करना चाहिए। खड़े पानी में बीज का छटा देकर बरसीम की तरह भी काश्त की जा सकती है। इस बात की एहतियात की जानी चाहिए कि बीज ना ही सतह जमीन पर रहे और ना ही ज्यादा गहरा जाए। सही। क्योंकि बीज की गहराई 1 इंच से 1.5 इंच तक होनी चाहिए और कतारों का फासला जो है 1 से 1.5 फुट होना चाहिए। 1 से 1.5 फुट। जी बिल्कुल ठीक है। अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि किसी भी जरई मसले के हल के लिए आप किसान हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूं 0800-55-55-56। इदारा मुंद के लिए फने जरात पेश करता है किसान हेल्पलाइन 0800-55-55-56। आपके जरई मसाइल आपकी दहलीज पर। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, इस्लामाबाद। जी दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगु हमने खत्म की थी वक्त काश्त और तरीका काश्त पे। अब सवाल ये उठता है कि शरह बीज और मौजू इकसाम कौन कौन सी हैं? जी मलिक साहब, शरह बीज जब कहते हैं तो इसका तयन करते वक्त जमीन की किस्म, जमीन का दर्जा हरारत जो है वो, और जमीन में नमी का तनासब और वक्त काश्त, तरीका काश्त और बीज की शरह अगाओ, इन सब जो अवामिल हैं इनको मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है। सही। ताहम अगर तरीका काश्त और बीज की रोइदगी सही हो तो 2 किलोग्राम फी एकड़ शरह बीज ये इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर बुवाई जो है छट्टा से करनी हो तो बीज की मकदार याद रखें, इसमें को बढ़ा देना चाहिए 0.5 किलोग्राम, 100-2.5 किलोग्राम फी एकड़ जो है हम कहते हैं शराय बीज छट्टा की सूरत में, 2.5 किलोग्राम फी एकड़ के तनासब से बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कौन कौन सी सिफारिश करदा मौजूं इकसाम है जिनके बारे में आप कहते हैं कि इनका इस्तेमाल है जो वो भरपूर पैदावार का सबब बन सकता है, और इस तरफ किसान हजरात हैं जो उन्हें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बीज हैं जो अच्छे बुरे हर किस्म के मार्केट में मौजूद हैं, हर किस्म की दस्तयाबी है, लेकिन आगाही के लिए क्योंकि ये प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं इस वजह से बता दीजिए कि कौन सी इकसाम है जो वो ज्यादा पैदावार का सबब बन सकती हैं और मौजूं हैं। मलिक साहब, ये सरसों की खासतौर कैनोला की जो मैं कह रहा हूँ कि अकसाम मौजूं जो हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है, नंबर 1 शिराली है। जी जी। नंबर 2 डेंकल्ड है। इसी तरह रेनबो है। सही। इसी तरह ऑस्कर है। सही। ये जो हैं, इसके अलावा हमारे NARC जो है उसने 2 नई अकसाम है, कैनोला राया है और इसी तरह पाकोला है। पाकोला और कैनोला राया, राया ये हमारी अकसाम है। जी ये NARC की अकसाम है और ये खास तौर पे पाकिस्तानी माहौलियाती खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए ना, ये हमारे जरई साइंसदानों ने, NARC के साइंसदानों ने इस पे बहुत मेहनत करके ये दरियाफ्त की है और जिनकी पैदावारी सलाहियत जो है मैं समझता हूँ काफी बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़रा जर मुबादला जो है ये तेल पे, जर रोगनी अजनास इन पे इस मद में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, ये अरबों रुपए जो है ये इसकी मालियत होती है, जिस जो ये मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग अगर अपने मुल्क में इसको कैनोला को ज्यादा से ज्यादा काश्त करके ज्यादा रकबे पर और ज्यादा इस इन जो भी हमारे असूल हम बताते हैं, खास तौर पे हमारे जरई साइंसदानों ने जिस तरह इन पे तहकीक करके ये वजह किए हैं, इन पे अमल दरामद करें तो कोई वजह नहीं कि इसकी प्रोडक्शन जब बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारा जर मुबादला जो है, जो हम बहुत कीमती जर मुबादला जो बाहर मुल्कों को हम दे के ये मुंतकिल करते हैं और ये मंगवाते हैं अपने मुल्क में, और ये इस दरामद से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए हमें इसको ज्यादा से ज्यादा तरवीज देनी होगी। और इसके अलावा और भी जो है खुर्दनी अजनास हैं, जैसे सूरजमुखी है, के बाद सोयाबीन है, और बहुत सारी हैं जो कि ट्रेडिशनल भी हैं और नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ये जो हैं हमारी रवायती और गैर रवायती ये फसलें, इन दोनों अकसाम की जो हैं फसलें, इनको भी तरवीज देनी होगी, उनको फरोग देना होगा, और तभी जाके हम मुल्क को जो है अपने
कदमों पे खड़ा कर सकते हैं और अपनी बहुत ज्यादा हमारी खुर्दनी है जनाब, खास तौर पे खुर्दनी तेल की जो जरूरत है, जरूरियात हैं, ये हम इनको पूरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने सुनने वालों को इस बारे में मफीद आगाही दी। एक दफा फिर जाते जाते हमारा टोल फ्री नंबर 0800 055 056, इस पे आप जरई मसाइल के हल के लिए फोन कर सकते हैं। इदारा मुंद के लिए फने ज़रात पेश करता है किसान हेल्पलाइन 0800 055 056, आपके ज़रई मसाइल आपकी दहलीज पर। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि आज के इस इब्तदाई तारफी प्रोग्राम पे अगर जो गुजारिशात हमने काश्तकार हजरात को पेश की हैं उन पे अमल किया जाए तो इब्तदा अच्छी होगी, बुनियाद अच्छी बैठेगी, और वैसे भी सर्दियों के दिनों में ये पीले रंग के खेत हैं जो आंखों को जो ठंडक देते हैं। गांव की जानिब आप गाड़ी लेके जा रहे हो, दूर से टुक टुक की आवाज और कोयल की बोलेंगी की आवाज और सड़क के दोनों अतराफ में फैले हुए हद्दे नजर ये खेत एक अजब मंजर पेश करते हैं, जन्नत नजीर अलामात में से एक है। अल्लाह करे कि ये धरती इसी तरह शाद आबाद रहे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के हमारे स्टूडियोज में आए और काश्तकार हजरात को मुफीद मशवरे दिए। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने किसान भाइयों तक जो है ये मैं अपनी मारूजात पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इसके साथ ही पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद के स्टूडियो से अपने मेजबान मसूद मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। BARC